बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कहना चाहूंगा कि किन किन लोगों को इनवाइट किया और कौन कौन? मैंने तो यार काफी लोगों को इनवाइट किया था, अब 20-25 लोगों को इनवाइट किया था। मेरे ख्याल में उतने आ भी गए, बट और भी कुछ शायद कुछ लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको बहुत प्यार है मुझसे, तो उनको पता चल गया तो खुद ही आ गए। बिग बॉस के जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से किनको इनवाइट किया था आपने? मैंने तो तकरीबन काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था और मेरे ख्याल में काफ़ी आए भी हैं। अच्छा। जिनको इनवाइट किया था वो आ चुके हैं, राजा, आशु, सब लोग आ गए। कितनी वर्षगांठ है आपकी, कौन सा साल है आपका? ये तो मुझे भी याद नहीं, बट सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी जो फिल्म आने वाली है द विलन में मेरा एक बहुत ही अच्छा रोल है, सरप्राइजिंग रोल है, और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप बीच में कहीं गैप से हो गए थे, कहाँ थे आप? नहीं, मैं उतना काम तो करता नहीं भाई, मैं फिल्में उतनी करता नहीं हूँ, तो बिजनेस से मुझे थोड़ा बहुत वक्त जो मिलता है, जो मैं कर सकता हूँ बस वो कर लेता हूँ। और इस वक्त कुछ नहीं, शायद बस देशद्रोही 2 ही शुरू होगी इस साल में और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक रिलीज भी होगी। इस बार आपने बिग बॉस को फॉलो किया था बिल्कुल, तो गौहर खान को बिग बॉस का ताज मिला, तो कितने आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई भी जीतता मैं संतुष्ट ही होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के भी जीतने से या किसी के भी हारने से। थैंक यू। लास्ट ईयर अभी बिग बॉस करा तो शायद रो के बाहर आया था, बहुत ज़्यादा रो दिया था, तो इस बार सोचा है कि जो दूसरे शोज आ रहे हैं उसमें लोगों के रियलिटी शोज में आंसू निकलवाने और खुद हंसना है और हंसते हुए आना है और जितना मस्ती कर सकूं और जितने अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, जैसे कि आर के भाई हैं, सब लोग हैं, तो मस्ती करूं एंड जस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस अराउंड। आई थिंक हम सारे बहुत ही फियरिंग इंसान हैं एंड KRK इज़ अ वेरी फियरलेस ह्यूमन बींग, ही इज़ लाइक अ टाइगर जो बिल्कुल नहीं डरता है, हुज वेरी डेयरिंग एंड ही जस्ट स्टेट्स हिज माइंड, सो दैट इज़ द वे। Yes, something related with dance, you would see me and probably one more reality show which is again based on dance, so let's see how it goes and definitely you guys will be engaged and I would look forward for the support from you guys. Reality show ki baat aati to bahut sare log aise bhi hote hain who speaks about that it's scripted or it's not been See, my take is generally, I have not done many reality shows, I have just done Big Boss season 7 and I found out that Big Boss 7 is a very real show, it is not scripted at all. However, maybe you, when a person gets in, he has certain idea that is how he's going to portray, but he cannot sustain an image inside. You need to be completely all by yourself. But there were many people and experts saying that ke Salman ka jo bhi episode jo the wo sare scripted nahi padte, lekin Salman ka aise karna nahi chahiye, to aapka kya? Bilkul nahi, wo bilkul real the aur Salman bahut hi balanced aur wonderful host hain, wo kisi ki side nahi lete, unko jo sahi hota hai वो बोलते हैं और दूसरा वो बाहर के जो मैसेजेस होते हैं ऑडियंसेस के वो हमें अंदर जितने हम कंटेस्टेंट होते हैं हमें डिलीवर करते हैं, तो आई थिंक सलमान सर ही इज द बेस्ट होस्ट एंड ही इज वेरी बैलेंस्ड। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जूम।